These days, there is a devotional atmosphere in the whole country regarding the installation of the statue of Ramlala in Ayodhya. Even in Madhukam of Ranchi, on Sunday, devotees went door to door with the intact kalash washed from Ayodhya and invited them to celebrate Diwali-like festival in their neighborhood on 22nd January. People from nearby areas, including BJP leader Ragni Lahiri Saha, associated with Vishv Hindu Parishad, were engaged in this campaign. लेकर के छत पर शिकार कर रहे हैं, ये इस हिंदू पशु आए हुए हैं, बात रहे हैं, लाल कपड़ा में बांध, और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि पूजा करना है, अर्चना करना है, कम से कम घर में मिठाई वगैरह बांटना है। कैसा लगा आपको अयोध्या से आज छत लेकर के लोग आए हैं अपने दरवाजे पर? होना तय हो गया है, उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज मधुकम मोहल्ला में अच्छा और निमंत्रण वितरण के कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आए हुए हैं, क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है? 22 जनवरी एक बहुत ही बड़ा समय है, बहुत ही हिंदुओं के लिए, बहुत ही कहते हैं ना, जब 14 वर्ष के बाद जब श्री राम वनवास लौट कर आए थे तो दीपावली मनाई गई थी, और इस बार तो 500 साल बाद वापस लौट के आए हैं, तो जश्न पूरा धूमधाम रहेगा। और ये जो हर ग्राम में, हर मोहल्ले में राम मंदिर में काफ़ी धूमधाम से रामचरितमानस का पाठ होगा, पूजा होगी, और ये जो भक्तिमय माहौल है, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हिंदुओं के आस्था जो राम थे, आज राम का भव्य मंदिर बन रहा है। हमने देखा है, हमने राम को त्रिपाल में देखा है, और आज हम राम को भव्य मंदिर में देख रहे हैं। जय श्री राम।